पुरानी रंजिश के चलते गरीब किसान की सरसों की खड़ी 3 बीघा फसल को नष्ट किया, बैराड़ पुलिस ने नहीं की सुनवाई। खबर शिवपुरी जिले के बैराड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम देवपुरा से निकलकर सामने आ रही है। मामला बैराड़ तहसील के ग्राम देवपुरा से है, जहां देवपुरा के रहने वाले किसान फरियादी राम निवास आदिवासी और उसके परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि पुरानी रंजिश के चलते गरीब किसान की सरसों की खड़ी 3 बीघा फसल को नष्ट किया है। बैराड़ थाना पुलिस ने नहीं की गई सुनवाई। आपको बता दें कि फरियादी राम निवास आदिवासी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि उनकी 3 बीघा सरसों की खड़ी फसल में जस्सू आदिवासी और उसकी पत्नी ममता आदिवासी ने 2 लोगों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश के चलते कोई ऐसा रासायनिक पदार्थ फसल में डाल दिया, जिससे रातों रात फसल बर्बाद हो गई, जिससे उन्हें आर्थिक क्षति पहुंची है। उन्होंने बताया कि सिर्फ यही किसानी करके वो अपने परिवार का भरण पोषण करता था, जिसको नष्ट कर दिया गया है। साथ ही फरियादी जब बैराड़ थाना पहुंचा तो उन लोगों के नाम दर्ज शिकायत करने पहुंचे तो पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की, घर वापस भेज दिया। फरियादी का कहना है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वह अपनी बीवी बच्चों के साथ आत्महत्या कर लेगा। अब देखना ये होगा कि पुलिस और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है या कोई कार्रवाई नहीं होती है। बरार से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। राम निवास आदिवासी, क्या मामला पूरा? आप ये थाने पे क्यों गए थे? आप थाने पे इसलिए गए थे कि जस्सू ममता ये लोग मेरे को मारने और मेरी फसल को जलाने आए थे। उसने कोई दवा ऐसी झड़की तो फसल मतलब जला दी। फिर थाने पे आए तो थाने वाले बोले मैंने कई साहब मेरी रिपोर्ट लिख लो, मुझे FIR काटू। तो ने FIR नहीं काटी, गुमराह कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ मेरे थोड़ा मुझे न्याला दे। मतलब तो पुलिस वालों ने आपकी कोई सुनवाई नहीं की? कोई सुनवाई नहीं की है। अब जी मांग रहे हैं तुम तो अब अपने आवेदन दे जाओ और हम निपटारा कर। तो आप क्या चाहते हैं इसमें? हम ये चाहते हैं कि उसको ज़्यादा नहीं तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और अब मान के चलो अगर कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं होती तो आप क्या करेंगे? आप नहीं होगी तो आत्महत्या करेंगे और क्या करेंगे, जिससे आगे और कहाँ जाएंगे, बच्चे लेके। आप क्या करेंगे दादी? ये सही करेंगे सर जी, कुछ कोई सुनवाई नहीं करेगा तो जी बच्चन ने हम क्या खिलाएंगे, हमारे पास कछु ही नहीं है। अब अतोते हमने पूरी लगत में लगा दी है। तो मतलब पूरा मामला क्या है आप बताएंगे जरा? पूरा मामला मतलब फसल किसने बर्बाद की कुछ पता नहीं। वो मेरे में सामने में बैंक के तो पे आती और दो आदमी ने लेके आई थी और बस वो ममता और रात के 2:30 बजे के टाइम पे 7 बजे तक तो मैं खेत पे ही आती थी और 7 बजे के टाइम पे हमारे जो घर पे नहीं आते थे कि तुम रिश्तेदारी में चले गए थे तो मतलब कि अंधेरा होगा तो मैं घर पे चली गई और 2:30 बजे के टाइम पे मैंने फसल में दवाई डाल दी, सब नष्ट कर दी। तो आप क्या चाहते हैं? पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे? कोई सुनवाई नहीं कर रहे। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले कह रहे हैं कि का कहता नहीं कर दूंगे के FIR काट नहीं रहे और का कहता नहीं। और बोलो बोलो बताओ। रो क्या रहे हैं भाई, पूरी बात बताओ। नहीं पूरी बात तो बताओ, पूरी बात बताओ। मान लो जब पुलिस अगर सुनवाई नहीं करती तो क्या करेंगे? नहीं तो अब आप क्या चाहते हो, अब आगे क्या चाहते हो?